हाउज़बिल्लि बसिमल अस्सलाम अल्लाम डर स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लास एट्थ सब्जेक्ट इंग्लिश टुडे वी विल कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ पोल्थीन एट डिज़ास्टर पोलीथीन एट डिज़ास्टर पोलीथीन जो है ये एक डिज़ास्टर है ये एक आफत है तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं पिछली दफ़ा हमने पढ़ा राकेश और उसके पेरेंट्स जो हैं उसके वालदेन जो हैं वो अपने वो राकेश के अंकल के घर जाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ डिस्कशंस करते हैं बातें करते हैं पॉलीथीन के बारे में तो अब हम आज आगे पढ़ेंगे राकेश एंड रोहित ऑल राइट वी प्रॉमिस इट राकेश और रोहित ने ये मान लिया कि ठीक है हम वादा करते हैं कि हम पोलिथीन बैग्स जो है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको भी बोलेंगे कि पोलिथीन बैग्स जो हैं ये इनसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे चलिए आज अब हम आगे पढ़ते हैं <coughs> राकेश फादर राकेश का फ़ादर अब यानी बाप उसका बात कर रहा है पोलीथीन बैग्स आर चीप एंड ईज़िली ईजी टू तो कैरी बैग्स जो हैं ये सस्ते होते हैं यानी चीप चीप मीन सस्ता और ये इंसान आराम से अपने हाथ में उठा सकता है दे आर देयर फॉर वाइडली यूज एज पैकिंग बैग्स इसलिए हर एक चीज़ को आ, पैक करने के लिए या बाजार से लाने के लिए पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल होता है मोस्ट पीपल आल्सो फाइंड देम इजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर यूज एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन बी ईजीली थ्रोन अवे और ज़्यादातर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं इसलिए करते हैं कि ये ये बिल्कुल इजी होते हैं उठाने में और उसके बाद ये डिस्पोज ऑफ भी हो जाता है यानी इनको आ, कहीं पे फेंक दिया जाता है तो इनका तो इस्तेमाल इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वायल दे वायर रेयरली फाउंड ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटीज़ एंड सेवेंटीज़

Used every day for purchase, storage, and transport of various goods like vegetables, milk, milk products, meat, sweets, confectionery, bakery items, and fruits. That's why they are so many there are so many polythene bags outside. A media report came out of दो लाख पॉलीथीन बैग्स हर दिन इस्तेमाल होते हैं लोग इनका इस्तेमाल करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए उनको बाजार से घर लाने के लिए मिसाल के तौर पर सब्जियां होती है दूध या दूध से बनाए बनाई गई गई चीज़ें होती हैं मी मा, ये गोश्त होता है मीट जिसको बोलते हैं हम स्वीट्स मिठाइयाँ या बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं रोटी वगैरह उनको बाजार से घर लाने के लिए लोग पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं दैट्स वाई दे आर सो मनी देर आर सो मनी पोलीथीन बैग्स आउटसाइड इसलिए हम देखते हैं अक्सर व बेशतर शहर में जब हम देखते हैं श्रीनगर में तो वहाँ पर पॉलिथीन बैग्स का ढेर हमें नज़र आता है ये इसीलिए कि वहाँ पे लोग लगभग हर दिन दो लाख पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं रोहित रोहिता बात कर रहा है पतानकल और पोलीथीन बैग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल पोलीथीन बैगस जो हैं क्या ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल मीन वो चीज़ें जो ज़मीन में गल जाती हैं या सड़ जाती है वो चीज़ें जो गल जाती हैं या सड़ जाती हैं माइक्रोआर्गनिज़म्स uh, के एक्शन से उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं क्या ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है राकेश फादर नो माई चाइल्ड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं बेटे ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी ये गल नहीं जाते हैं ये सड़ नहीं जाते हैं इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट डिके ऑन दियर ऊन या हम ये भी कह सकते हैं ये ख़त्म नहीं होते वी कैन नॉट इवन बर्न दैम एज दर्निंग वुड कॉज मैंस एयर पोल्यूशन और हम इनको जला भी नहीं सकते क्योंकि जलाने से इन में से जहरीले मवाद खारिज होते हैं जो हवा को आलूदा करते हैं यानी जिनसे आयर पोल्यूशन होता है रोहित रोहित अब बात कर रहा है अंकल व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स इसके मुजिर असर क्या हैं मुरा क्या हैं राकेश फादर पोलीथीन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स पोलीथीन जो है इनके बहुत सारे मुजर असरा है इट इज़ कॉज ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया कॉलरा एट्सट्रा इनसे कई बीमारियां पैदा होने का ख़दशा होता है जैसे कि मलेरिया है एक बीमारी और कॉलरा है ये बीमारियां पोलिथीन बैग्स की वजह से पैदा हो जाती हैं इट आल्सो इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल इनसे ज़मीन जो है उन ज़मीन की जरखीज़ी जो है वो कम हो जाती है बिसाइड्स इट प्लेज बिसाइड्स इट प्लेज अ मेजर रोल इन द बलोकेज ऑफ वाटर सिस्टम्स लाइक सवेज एंड वाटर पाइपज़ काजिंग फ्लड्स ड्यूरिंग मॉडरेट और हैवी रेनफॉल इसके इसके अलावा ये जो हैं पोलिथीन बेग से नालियाँ और पाइप जो हैं वो बंद हो जाती हैं और पानी का फ्लो जो है वो भी बंद हो जाता है पानी अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर सकता तो जूरिंग रेनज हैवी रेनज जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सैलाब का ख़तरा भी रहता है एज वी कैन ईजीली सी दैट रिवर्स लेक्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स हैव बिकमिंग बिकम डंपिंग साइट्स ऑफ पोलिथीन बैग्स जैसा कि हम देखते हैं कि दरिया झील और छोटी छोटी वो नदियाँ जो हैं वहाँ पे हम बहुत सारे पोलीथीन बैग्स देखते हैं वो डंपिंग साइट्स बन गई है लोग वहाँ पे ही ये डालते हैं ये पोलीथीन बैग्स इट हैज़ बिकम द काज ऑफ़ सेवरल प्रॉब्लम फॉर प्लान्ट एंड एनिमल्स लिविंग इन एंड अंडर वाटर ये पोलिथीन बैगस जो हैं ये हिवाना के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमस क्रिएट करते हैं पैदा करते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं जो एनिमल ज़मीन पर रहते हैं और जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किल जो है वो पैदा हो रही हैं पोलीथीन बैगस की वजह से तो आज के लिए इतना ही इनशल ने, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़